इस तरीके के वीडियो को एडिट करना काफी मुश्किल होता है, बट आज हम इसी तरीके के एक वीडियो को एडिट करने वाले हैं अपने मोबाइल फोन से, वो भी अपने स्टाइल में। तो चलिए आज के वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक वीडियो को शूट करना होगा। वीडियो शूट करते टाइम आपको ध्यान रहेगा कि आपका फ़ोन ट्राईपॉड पे होना चाहिए एंड वीडियो को अच्छे से शूट करना है। एंड शूट होने के बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप वीडियो शूट कर रहे हो उसी टाइम पे एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको रख लेना है, ठीक है। ये आगे आपको काम आने वाला है। आपको दो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, सबसे पहले काइन मास्टर एंड सेकेंड फोटोशॉप। फोटोशॉप मोबाइल वर्जन का डाउनलोड करना है एंड काइन मास्टर, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको अपने काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है एंड ओपन होने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से जैसे आपने वीडियो शूट किया है उस टाइप के रेशियो को सिलेक्ट करना है। तो मैंने लॉन्ग में वीडियो को शूट किया था तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। एंड इतना होने के बाद आपको अपने वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है जिसको आपने शूट किया था। अब इतना काम कम्प्लीट होने के बाद आपको चले जाना है फोटोशॉप वाले ऐप पे, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। तो आपने जो खाली जगह पे कैप्चर किया था इमेज को, उसको यहाँ पे कर लेना है सेलेक्ट। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं उस इमेज को सेलेक्ट एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रश वाले टूल से इसको फुली सेलेक्ट कर लेना है, जो भी बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पूरे घर को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन देगा रिप्लेस का, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड देना है, ठीक है। जो भी आप कमांड दोगे बैकग्राउंड में वैसा ही AI जनरेट करके दे देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक कमांड देता हूँ। तो ये मैंने इंग्लिश में लिखा है कि बैकग्राउंड में जो है रेतीला पहाड़ जैसा सीन होना चाहिए, तो आप भी इस तरह से ट्रांसलेट करके लिख सकते। तो जनरेट पे क्लिक करने के बाद इसका AI आपको नीचे चार सजेशन में इमेज दे रहा होगा जो कि उसने क्रिएट कर दिया है एंड इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी बेटर नहीं लग रहा है तो आप रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, देन रिफ्रेश पे करते ही ये वापस से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आपको अगेन कोई और इमेज क्रिएट करके दे देगा। तो अगर आपको इसमें से कोई अच्छा लग रहा है तो आप उसको सेलेक्ट करके सेव कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसी तरह से एक इमेज को सेव करके रखा था, तो हम उसको यूज करने वाले हैं एंड यहाँ पे जाने के बाद उसी इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे एंड स्क्रीन पे डबल क्लिक करते ही ये पूरे स्क्रीन पर फिट हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको जाना है क्रॉप वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ पे जाने के बाद इसको क्रॉप करके जितना AI ने जनरेट किया था हमें उतना रखना है, ठीक है। यहाँ पे लाने के बाद अभी आपको एक लाइनिंग दिख रहा होगा, इसको रिमूव करने के लिए हम वापस से क्रॉपिंग में जाएंगे एंड मास्क को इनेबल करके फेदर को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। इतना काम कंप्लीट होने के बाद आपका बैकग्राउंड वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हम अपने मेन लेयर का एक डुप्लीकेट बनाएंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है एंड 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक करना है, जिससे इसका डुप्लीकेट लेयर पे आ जाएगा। अभी इसको क्या करना है, डबल क्लिक करना है स्क्रीन पे ताकि ये फुल स्क्रीन पे फिट हो जाए। तो सबसे पहले आपको अपने लेयर को सेलेक्ट करना है एंड मैजिक रिमूवल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन क्लिक करते ही ये बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। तो इतना काम कंप्लीट होने के बाद गाइज अभी आपने जो प्रीव्यू में देखा था कार ड्रिफ्टिंग वाला जो बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा था, तो उसको मैंने कैसे लगाया था, तो उसको लगाने के लिए आपको ग्रीन स्क्रीन में कार ड्रिफ्टिंग का एक वीडियो मिल जाएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली मैं जितने भी चीज़ें अपने वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कार ड्रिफ्टिंग वाले वीडियो को ऐड कर लेना है मीडिया पे जाके एंड इसको लाने के बाद अभी इसके बैकग्राउंड में जो ग्रीन स्क्रीन है उसको रिमूव करने के लिए हम जाएंगे क्रोमा की वाले ऑप्शन पे एंड इस पर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जो नीचे कलर दिख रहा है जहाँ ब्लू है उस पर क्लिक करके जाना है आपको कलर पे एंड यहाँ पे जाने के बाद जो बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन है उसी कलर को हमको चूज कर देना है ताकि वो फुली रिमूव हो जाए। तो देखिए यहाँ से ग्रीन स्क्रीन हमारा रिमूव हो गया और इसको अच्छे से मैनेज कर लेना है ताकि ग्रीन वाला थोड़ा भी पार्ट न रह जाए। अब इतना काम कंप्लीट हो गया, आपको इतना अपने दोनों फिंगर से जूम करना है एंड पीछे बैकग्राउंड भी इस तरह से लगा देना है। अभी जब आप इसको थोड़ा सा प्ले करोगे तो देखोगे तो ये कार आपके आगे आ रहा होगा। तो इसको पीछे करने के लिए हम क्या करेंगे, मेन लेयर को सेलेक्ट करेंगे एंड 3 डॉट पे जाएंगे एंड एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको सेंड टू बैक, इस पर कर देना है आपको क्लिक। अभी इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपने मेन वीडियो को डबल क्लिक करना है ताकि ये भी पूरी स्क्रीन पर फिट हो जाएगा इस तरह से। अभी प्ले करके अपने वीडियो को देख लेना है, ठीक है। तो अभी देख रहे होंगे कि अभी ग्रीन वाला पार्ट है आपके स्मोक में से गया नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो इसको हम जाएंगे वापस से क्रोमा की पे एंड जाके अच्छे से इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। अब इतना काम कंप्लीट होने के बाद एक चीज़ आपने देखा होगा, ड्रिफ्टिंग करते टाइम जो कार था एक पीछे से जा रहा था और एक आगे से आ रहा था, तो हम उसको कैसे करने वाले थे,
उसके लिए वापस से आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है एंड एक लेयर को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो अभी इसके भी ग्रीन स्क्रीन को उसी तरह से रिमूव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम जाके क्रोमा की पे इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। अब इतना काम कंप्लीट होने के बाद आपको इसको जूम कर लेना है, ठीक है, इसको ज़्यादा जूम करना है एंड इस तरह से इसको प्लेस करना है। हाँ, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये जो कार है आपके पूरे लेयर के पीछे जा रहा है, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने उस कार वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे एंड आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट, यानी ये सारे लेयर्स के आगे आ जाएगा, ठीक है। इतना काम आपको कंप्लीट कर लेना है एंड इसको इस तरह से लगा देना है, ठीक है। एंड आपको प्ले करके देखना है आपका जो वीडियो है वो बिल्कुल मेरी तरह दिखेगा जैसा आपने प्रीव्यू में देखा था। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।